सर, ट्रिपल तलाक कहीं ना कहीं लटकता हुआ दिख रहा है राज्यसभा में, आप जो कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी तो मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत आनी चाहिए। मेरे को लगता है राज्यसभा में पास हो जाएगा। कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए विपक्ष, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो कांग्रेस इस ट्रिपल तलाक के मामले में बेनकाब हो गई है, क्योंकि वो जो राजनीति वो सड़कों पर करती है, वो राजनीति वो पार्लियामेंट में नहीं करती। जब लोकसभा में ये आया ट्रिपल तलाक का मुद्दा, तब वो पहले अपने जो भी उनके एमपी बोले, सब ने उसके एक तरीके से विरोध में बोला। वो एक तरफ में अपना महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला का विकास की बात करती है, और दूसरा जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं की बात आई, तब वो कहीं ना कहीं पीछे होती दिखाई दी। और राज्यसभा में वो इसलिए कमेटी को भेजना चाहती है कि राज्यसभा में अगर वो एक्सपोज नहीं होना चाहती कि वो वोट किसको कर रहे हैं, वो इसको पक्ष में वोट कर रहे हैं या इसके विपक्ष में वोट कर रहे हैं, तो वो एक्सपोज नहीं होना चाहती, इसलिए वो वोटिंग से भाग रही है। और हम चाहते हैं कि वोटिंग हो और कांग्रेस का चेहरा देश की जनता के सामने आए कि उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया, वो महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में है, महिलाओं के विकास के पक्ष में है, या वो केवल राजनीति ही करती है, मुस्लिम को अपना वोट बैंक ही समझती है और कोई विकास नहीं करना चाहती, वो क्या चाहती है, ये इससे साफ साफ अभी सामने आ जाएगा अगर राज्यसभा में वोटिंग होगी तो। मगर हमें उम्मीद है कि हम राज्यसभा में इसको पास करा लेंगे और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक जो बहुत समय से उनको नहीं मिला, अब वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको ये हक दिलाएंगे। उन्होंने उनका दर्द समझा और वो ये हक उनको दिलाएंगे, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। महाराष्ट्र में जो वायलेंस हुआ है, इसके पीछे किनका हाथ लग रहा है? देखिए, इसके पीछे किसी का हाथ मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कहीं पर भी देश में कोई ऐसी घटना हो, वहाँ पर हमें मुद्दों को भड़काना नहीं चाहिए, हमें मुद्दों को ठीक करना चाहिए। कांग्रेस का काम है, वो आरोप लगाएगी, मगर हम वहाँ पर हमारी सरकार उसको उस दंगे को निपटने में सक्षम है और हम उससे निपट लेंगे, और हम कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। और मैं विपक्ष से भी ये विनती करूंगा कि वो भी ये आरोप लगाने से बचें, ताकि हम देश में शांति बनाए रखें। कहीं ना कहीं जिग्नेश, इन लोग को लेकर के कांग्रेस रणनीति तो बना रही है जिस ढंग से घटना हुई है महाराष्ट्र में? नहीं, अब कांग्रेस तो कांग्रेस का ये चरित्र है कि वो जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो इस देश को आपस में बांटने में, धर्म के नाम पर बांटने में, मजहब के नाम पर बांटने में हमेशा वो कामयाब रही, और उसने देश को टुकड़ों में बांट दिया, और इसलिए उनकी राजनीति चमकती रही। मगर हम इस देश को हम एकजुट करने आए हैं, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारी पूरी सरकार काम कर रही है, और हम इस देश को जो हमारे शहीदों के सपनों का भारत था उसको बनाने में जरूर कामयाब होंगे। कहीं ना कहीं एक नीति बन रही है विपक्षों के द्वारा कि अब हिंदू वोटरों को भी बांटा जाए आपस में, ये दिख रहा है घटना से, इसको कैसे देख रहे हैं? अब ये नीति तो कांग्रेस के द्वारा बनाई जा रही होगी, तो मगर मुझे लगता है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी सारी नीतियों को ढूंढने में और उनको ख़त्म करने में कामयाब है। एक लास्ट क्वेश्चन दिल्ली से सर, दिल्ली के 3 राज्यसभा मेंबर घोषित हुए हैं, अब वहाँ भी कुमार विश्वास ने फिर झंडा खड़ा कर दिया है, कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखिए, मुझे लगता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो बोलेंगे बीजेपी का एमपी इसलिए बोल रहा है, ये तो आम आदमी पार्टी का मामला है। मगर सारी दुनिया जानती है, दिल्ली जानती है, हम लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जानता है कि कोई सुशील गुप्ता को नहीं जानता, कोई एनडी गुप्ता को नहीं जानता, सुशील गुप्ता जी को मैं जानता हूँ। सुशील गुप्ता जी मेरे पंजाबी बाग में रहते हैं, बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, बहुत अपना पैसे वाले व्यक्ति हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल चलाते हैं और अपना ज़मीन का व्यवसाय करते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैं उनकी गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि सामने वाला केजरीवाल बोली लगा रहा था, तो वो बोली में पार्टिसिपेट कर गए और वो बोली उन्होंने 50 करोड़ में जीत ली, और एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता जी दोनों 100 करोड़ रुपए दे के दोनों राज्यसभा में पहुंच जाएंगे, तो ये तो उनकी कोई गलती नहीं है। ये दिल्ली की जनता को केजरीवाल से सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली में राजनीति को व्यवसाय क्यों बनाया,
और उनके विधायकों को भी मैं तो कहूंगा कुमार विश्वास को चुनाव लड़ना चाहिए, आशुतोष को चुनाव लड़ना चाहिए और सारे विधायकों से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है वो जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं आम आदमी विश्वास तोड़ा, जो अपने आप को बहुत बोलती थी कि हम ईमानदार पार्टी है, दिल्ली की जनता को ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। ये उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, मैं समझता हूँ। थैंक यू सर। सर एक अपील आई।